प्रमाणित जो आईएसओ सर्टिफिकेशन होता है एक्चुअल में ये क्वालिटी और क्वांटिटी पे ये ज्यादा फोकस करती है जो कंपनी है उनको ये सर्टिफिकेशन दिया जाता है। मेरे कंपनी का मेन जो मोटो है जो मेन उद्देश्य है वो है बेरोजगारों को रोजगार दिलाना पहला काम। दूसरी चीज आज जैसे हम लोग इतने बड़े मंच पे या इतने बड़े कॉलेज पे या इतनी बड़ी गैदरिंग इतनी फैसिलिटी एयर कंडीशन समथिंग हम लोग बैठे हुए हैं हम लोग के टाइम पे ये सब कुछ भी नहीं हुआ करता था रियली मतलब बोले तो उस टाइम पे कोई बताने वाला नहीं होता था कि आपको जॉब करना है या बिजनेस करना है या आपके कैरियर कहाँ पे जाएगा जिंदगी में आप क्या करना चाहते हो क्या बने कोई बताने वाला नहीं था। तो इसके लिए मैं स्पेशली थैंक्स बोलूंगा प्रज्ञा मैडम का है ना। तो एक बार सबसे पहले प्रज्ञा मैडम के लिए शानदार आपके बारे में अपने स्टूडेंट के बारे में इतनी अच्छी सोच कि अगर हम जहां पे जा रहे हैं जो चीज दो बातें होती है ना एक चीज प्रैक्टिकली होती है एक चीज आपको थ्योरिकल होती है। तो मैडम आपको थ्योरिकल पढ़ाते होंगे ना कि उद्यमिता क्या होती है उद्योग क्या होता है कैसे लगाते हैं उद्योग कैसे करेंगे बिजनेस कैसे करेंगे। अभी हम लोग जब इंटरव्यू किए उस टाइम पे बात हो रही थी कि किसको जॉब चाहिए किसको सरकारी नौकरी या प्राइवेट नौकरी या किसको उद्योग लगाना है समथिंग यही बात हो रही थी ना। तो उस टाइम पे अच्छा एक चीज पहले मैं पूछूंगा इसके बाद फिर मैं बात करूंगा यहाँ पे कितने लोग मानते हैं कि वो सफल है हाथ उठाएंगे सिंगल वन पर्सन। कितने लोग यहाँ पे है मेरी फिर एक बात सुनेंगे कितने यहाँ पे जो बच्चे बैठे हुए हैं कितने मानते हैं कि आप सक्सेसफुल हो ओनली 2% रियली। मैडम थोड़ा फोकस करें ना प्लीज एक बार रुको मैं देख तो लूं कौन है सफल ओनली 2% सेकंड वन कौन है। मैं एक चीज और बोलूंगा मैं एक चीज और लेकिन अभी आप आपके मुंह से बुलवाऊंगा कि आप अभी बोलोगे नहीं सक्सेस है ना अभी आपके मुंह से बुलवाऊंगा कि आप सक्सेसफुल हो बात करूं। यहाँ पे हम लोग बीबीए बीएससी और बीकॉम के बच्चे बैठे हुए हैं बीबीए या बीएससी या बीकॉम कब करते हैं लोग क्या कौन सा एजुकेशन पास करके आते हैं आपका 12th ना